हेलो दोस्तों, रंगों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवानी। जीना और मरना, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं कैलीग्राफी और लेखक का बहुत करीबी रिश्ता रहा है, तो उसी से प्रेरित होकर मैं कुछ सिर्फ ना लिखकर ही उसको कुछ अलग ढंग से आज बनाऊंगी, आर्ट जर्नलिंग में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बुक ले ली है, ये निब है, ये 4 नंबर की है, और ये मैंने इंक ले लिया है, लेकिन इंक के बजाय मैं एक्रेलिक यूज़ करना चाहती थी, ताकि जिससे बहुत ज़्यादा मुझे डार्क चाहिए था। तो बस 4 नंबर की निब के साथ देवनागरी में मैं कह खा गया लिखना शुरू कर रही। यहाँ मैं निब को थोड़ा हल्के हाथ से चलाऊंगी। अगर मैं ज़्यादा इसको दबाकर चलाती हूँ तो जो पेपर है वो थोड़ा घिस कर निब में आ जाता है, जिससे फिर वो एक स्मूथ नहीं चल पाती। पेपर के ऊपर मैंने कहीं कहीं कॉफ़ी पाउडर को लगा दिया है, जिससे थोड़ा और भी जंक लुक आए। पहले मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर लीफ बनाऊंगी, लेकिन वो फिर थोड़ा ये पूरा का पूरा कवर हो जाता, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐसे कहीं कहीं पे स्ट्रोक बनाए हैं। यहाँ मैंने ये पॉकेट पहले से बना ली थी, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ मैंने जो कैलीग्राफी की थी उसको मैंने चिपका लिया है, और साथ में मैंने थोड़ा स्पेस छोड़ दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा मैसी चाहती थी और एकदम क्लियर नहीं चाहती थी, तो इसके लिए मैंने अलग से थोड़ी जगह छोड़ दी थी और फिर इसको फाड़ कर चिपका दिया। यहाँ मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा फेविकोल ले लिया है, फेविकोल MR ले लिया है, और इसको स्टिक के साथ लगा दूँ। मैं इसको बहुत डिफरेंट बनाना चाहती थी, तो मैं अब इसके ऊपर मिरर लगा रही हूँ। और अब आ जाती हूँ मैं अपने पसंदीदा लेखक के कोट पर। मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि अगर किसी को रोने के लिए ही जीना है तो उसका मर जाना ही अच्छा है। है ना, ऐसा होता है ना कि सबके साथ हम सभी के साथ प्रॉब्लम्स तो हैं ही, सब किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, और वो चलती ही रहेंगी। लेकिन एक है कि हम बस उनके बारे में डिस्कस करते रहे, रोते रहे, एक के बाद एक आती रहे। तो वो कह रहे हैं कि अगर रोना ही है प्रॉब्लम को और आपको काम नहीं करना है, तो उसका तो मर जाना ही अच्छा है। एकदम साफ सुथरी बात कि सोल्यूशन पर काम करना है।